नहीं फिर से बंद करो, मेरे पहले से हाथ ऊपर कर दिया, आराम से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बननी किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन मैंने बना किसी और टॉपिक पे दी है। एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या प्रोग्राम चल रहा है, बारिश हो रही है, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो मेरा वैसे प्रोग्राम ये था कि मैं यहाँ से पट्ठे कुछ पकड़ रहा था और आप लोगों के साथ उनको शेयर करना था कि पट्ठों को कैसे पकड़ता हूँ मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आज का जो प्रोग्राम था बस गपशप लगाने का है और थोड़ा इन्जॉयमेंट करने का है। आज सुबह जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और जब मैंने दाना पानी किया अपने बर्ड्स को तो जो कुछ मैंने देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। आज जो मैंने ये प्लास्टिक शीटें जो मैंने यहाँ लगाई थी, इनके तीन तीन फ़ायदे मैंने जब महसूस किए यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मज़ीद जो गपशप होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड, जब मैं यहाँ अपने सेटअप के अंदर गया तो एक तो गर्माइश महसूस हुई बहुत ज़्यादा, कोई हीटर नहीं लगा हुआ है, कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है, कोई सेवर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी डिवाइस यहाँ पे नहीं लगी हुई है, लेकिन बर्ड की अपनी जो गर्माइश है वो स्टोर हुई हुई है यहाँ पर सेटअप के अंदर। तो बर्ड बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और हमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। कि दूसरा फ़ायदा मैंने यहाँ ये देखा कि जो ये बारिश के कतरे जो छींटे वगैरह साइड से अंदर जाया करते थे और वो अंदर जाके पूरे सेटअप को गंदा कर देते थे और बहुत ही ज़्यादा सेटअप की हालत ख़राब हो जाती थी। तो मेरा सेटअप बिल्कुल खुश के अंदर से और बर्ड्स भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे थे दो फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो इसकी स्टिक्स हैं यहाँ पर, जिन स्टिक्स की मदद से ये बना है हमारा केज, लकड़ी का बना हुआ है ये केज, वो वाले केज भी सारे के सारे लकड़ी से बने हुए हैं। तो ये जो लकड़ी है बिल्कुल महफूज है, गीली नहीं हुई है। जो इसके ऊपर गोले लगते हैं वो गोले भी प्लास्टिक के अंदर हैं, गोले भी महफूज हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा जो सेटअप है वो बिल्कुल महफूज है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं हमारे बर्ड्स को। तो इस वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अगर ये बारिश इस तरह होती रहती है, देर तक होती रहती है और मैं नीचे मौजूद रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल मुतमईन रहूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरा जो प्रोग्राम है मज़ीद वीडियोस अपलोड करने का, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कुछ वीडियोस आने वाली हैं डव के हवाले से, जिसमें डव की पेयरिंग के हवाले से कुछ नई मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आम तौर पर यूट्यूब पर मौजूद नहीं होती हैं। डव की कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इनसे अच्छी ब्रीड कैसे ली जाए। इसके अलावा शायद मैं लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मशवरा दे चुका हूं कि इस वक्त अगर आप डव की ख़रीदारी कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आगे तीन चार महीने के बाद इसके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं, डबल होने वाले हैं, तो अगर अभी ख़रीदारी करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो डव की टिप्स वगैरह भी आगे आने वाली हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही एक शानदार वीडियो जो कि यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। और वो वीडियो ये होगी कि कॉलोनी के अंदर जब हम बर्ड्स को रखते हैं तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स के जो पट्ठे होते हैं छोटे, वो आप लोगों को मरे हुए मिलते हैं। जब आप कॉलोनी के अंदर जाते हैं, एक दो बर्ड्स जो हैं वो पट्ठे वगैरह जो हैं वो मरे हुए अक्सर आपको मिलते हैं। तो उसकी जो रीज़न्स होती हैं वो दो कैटेगरीज़ में मैं उनको बांटता हूँ, उनकी रीज़न्स को। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या बर्ड लवर जो हैं वो ख्याल नहीं रखते बर्ड्स का, बेसिक चीज़ों का ही ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से उनके पास जो है एक्सपायरी रेशियो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। उस हवाले से भी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पूरी मैं एक चेकलिस्ट आपको बना के पेश करूंगा और उस तमाम चेकलिस्ट के ऊपर आप एक एक करके टिक लगाएंगे कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं पट्ठों के मरने की तमाम वजूहत एक साथ एक ही वीडियो के अंदर मैं तरतीब से अपने पास लिख कर उसकी लिस्ट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा उसमें एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट होगा, वो पॉइंट आज तक कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर कहीं पर भी नहीं बताया गया है, वो मैंने खुद मेरे जहन में एक आइडिया है तो वो भी मैं उसके अंदर शेयर करूँगा। और वो आइडिया ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तमाम पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसके बावजूद उनके बर्ड्स जो हैं एक्सपायर हो रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए वो कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। वो वीडियो मेरी बहुत लंबी होने वाली है तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। और जो बहुत ज़्यादा माजी के अंदर मैंने एक लिस्ट बना के मुख्तलिफ वीडियोस की रखी हुई अपने पास और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का वादा किया हुआ था, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इन दिनों में काम करेंगे। थोड़ा सा मैं इन दिनों में फ्री हूँ और मेरी जो है यहाँ पर छुट्टियाँ वुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से वीडियोज़ जो है आप लोगों को इंशाल्लाह रेगुलर मिलेंगी और साथ ही साथ जो है बाकी भी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही था और अब मैं नीचे जाऊंगा, पकोड़े खाऊंगा गर्मा गर्म और साथ में चाय पीऊंगा, और आप भी नीचे जाइए और अपना चाय पीजिए और पकोड़े खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।